apart, rest your body on the floor, increases. Now let just like a bridge, come back, exhale, stretch your legs, relax the body, beautiful. You can lift only one leg if not possible. Now, wonderful, everybody is able to take a deep breath now, wonderful. Exhale, stretch your arms up, fantastic. Relax the body. Close your eyes. Relax the body. ये एक तरीके से हम लोग हर रोज कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में रहते हैं. रन अप टू 21st है, 21 तक की जो है सेलिब्रेशन वो है. और अब 21 में तो मात्र तीन दिन ही रह गए हैं. तो अब लगता है कि सब लोग उसके बारे में तैयारी शुरू करें. और आज जो जगह का हमने चयन किया वो लोटस टेंपल है, बहाई टेंपल है, जहाँ पे मेडिटेशन और सर्वधर्म प्रार्थना भी होगी. अभी दिल्ली का एक बहुत ही आइकॉनिक स्थान है. और जब से प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर करवाया यूनाइटेड नेशन से और यूएन ने डिक्लेयर किया, तो तब से तो सब व्यक्ति का रुझान जो है योगा में और अधिक बढ़ा है. पहले कुछ कम लोग ही इसको प्रैक्टिस करते थे, अलग अलग तरीके से, पर इसके बारे में चर्चा कम थी. करते थे लोग लेकिन चर्चा कम थी. आज लोगों का जो उत्साह है और जो भावना है योग से जुड़ने की, वो सबके मन में बस गई है और सब लोग योग करना भी चाहते हैं. तो अपनी शक्ति और क्षमता अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार, आप विभिन्न प्रकार के योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. योग आसन भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ध्यान भी लगा सकते हैं. और सबसे सुंदर बात जो ये है कि इसमें सबकी निरोग काया की कामना है और सबके सुख और शांति का प्रतीक है. और योग हमारे ऋषियों की इतनी हजार सालों से मानवता की बेहतरी की देन है. और वही जो भारत का संदेश है वो दुनिया भर में जाना चाहिए.